नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्वदेशी अदालत में। बच्चों, मेरे जो युवा दोस्त हैं, पिछली बार मैंने प्रोफेशनल्स के बारे में कैंपस प्लेसमेंट की कुछ टिप्स आपको दी थी, उसी श्रेणी में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज जो मैं बात करूंगा, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी इंजीनियरिंग के बच्चे पास आउट होने वाले हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं, जो प्लेसमेंट के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा डेटा उठा करके देखें, इस समय 2018-19 में 15 लाख इंजीनियर पास आउट होने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रीम। इसमें देश भर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग IIT, NITs, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये सभी का डेटा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और अगर आप इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर का थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान दें, मैं उसका संज्ञान लेते हुए आपको बता दूँ, इकोनॉमिक टाइम बोलता है कि हमारे देश में 95% जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट ही नहीं बैठते उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जो कोर कंपनी की अगर हम बात करें। अब देखिए, एक तरफ तो 15 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप जॉब मार्केट की बात करें तो करीब करीब हमारे इंजीनियर्स के लिए इस समय 1.25 से 1.5 लाख के आसपास जॉब जो हैं ऑफर की जाती हैं या इतनी वैकेंसीज हैं। अब आप देखिए, 15 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहा है, 1.25 से 1.5 लाख जॉब है, तो देखिए कंपटीशन कितना जबरदस्त। दूसरी चीज ये है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 95% जो इंजीनियर बेकार है, 5% की हम बात करें जो सही है, अगर आप 15 लाख का 5% माने तो करीब करीब 75,000 ये बच्चा आता है निकल करके। और इन 75,000 में से अगर आप देखें तो करीब 40,000 बच्चा वो है जो IITs, NITs और अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से पास आउट होता है। इसका मतलब ये है, हम ये तो मान लें कि IITs से अच्छे बच्चे निकलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको अच्छी है, अच्छी वो चूँकि कंपटीशन के थ्रू क्वालिफाई होकर के गए हैं तो उनका बौद्धिक क्षमता जो है बहुत अच्छी है। तो अगर कोर कंपनी की हम बात करते हैं तो पहला अगर जॉब की बात करें तो वो उनका राइट है। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेज वाले वहाँ कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो IITs या अच्छे जो NITs हैं उनके जो बच्चे पास आउट होते हैं तो वो एक अच्छी जॉब पाने के हकदार भी हैं। अब अगर बच्चों हम देखें प्राइवेट कॉलेज की एक प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा संघर्ष नहीं करना चाहता। आप थोड़ा सा आंकड़े ध्यान दीजिएगा, और जो बच्चे अभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ध्यान दीजिए, अटेंडेंस उनकी प्रॉपर नहीं है, क्लासेज में ढंग से पढ़ने हैं वो बिल्कुल कॉलेज में क्लास अटेंड ही नहीं करना चाहते। दूसरी अगर हम बात करेंगे, फाइनल ईयर तक आते आते कोई वर्कशॉप ट्रेनिंग या कुछ अपने प्रोजेक्ट को ढंग से ये लोग सीरियसली नहीं लेते। और थर्ड ईयर में जो जहाँ तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप करके आइए करीब जो है 6 हफ्ते की, और अपना कुछ प्रोजेक्ट वर्क लेके आइए ताकि आप फाइनली में उसको प्रेजेंट कर सकें। बच्चे क्या करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर हूँ और ये देख करके दुख होता है कि मोस्टली बच्चा जो अलग अलग सेंटर्स खुले हुए हैं उनसे उस प्रोजेक्ट को खरीद करके लेके आता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है, और कमाल की चीज़ यह है कि टीचर से बहस करने लगता है फिर कंसर्न टीचर से। तो बच्चों आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला इसमें, हमें तो दुख होगा या आपके पेरेंट्स को दुख होगा। और एक कहावत है कि संघर्ष किए बगैर कोई महान नहीं होता, और पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े तो वो भगवान नहीं होता। संघर्ष की आदत आपको डालनी होगी, संघर्ष करना होगा। माँ बाप के साथ क्या है, या जो माना मैं डायरेक्टर हूँ या आपके जो हेड हैं या टीचर, वो क्या कह सकते हैं। उनकी तो अवस्था कुछ इस तरीके की है कि कुछ कह गए और कुछ हम सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही आप गलत, इस चक्कर में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। और ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ये इतना मतलब फाइन लाइन से बंधा हुआ है, डोर से बंधा हुआ है कि बच्चे को 2 मिनट लगती है टीचर को गलत साबित करने। तो आपको अपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी होगी। दूसरा क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ टाटा स्टील्स की। मैं अभी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिला, डॉक्टर अमित रोहेला जी उनका नाम है, वो टाटा स्टील में पहले काम करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, 1985 में टाटा स्टील में
65,000 एम्प्लॉय थे, ध्यान दे रहे हैं 65,000 एम्प्लॉय थे और 3 मिलियन टन उनका प्रोडक्शन था स्टील का। अगर आप 2017 की बात कीजिएगा तो वो जो 65,000 थे वो हो गए हैं 18,000 और प्रोडक्शन हो गया 3 मिलियन टन की बजाय 30 मिलियन टन, यानी 10 गुना प्रोडक्शन हुआ और 4 टाइम्स आपके एम्प्लॉय घट गए। इसका मतलब 40 टाइम्स आपको लॉस हुआ है। और ये लॉस वर्कर्स का क्यों हुआ? क्योंकि आज इंडस्ट्री ऑटोमेट हो चुकी है। अब ये जो ऑटोमेशन का है रीजन, ऐसे ही आगे जा करके ऑटोमेटेड सिस्टम होते चले जाएंगे और जो टेक्निकल जॉब्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अब केवल और केवल जॉब जो रहेंगी टेक्नोलॉजी को मार्केट करने के लिए रहेगी, टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए रहेगी। कुछ बच्चे इतने मतलब अनभिज्ञ हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है या टेक्नोलॉजी को सेल करने वाली हैं, कि उसमें उनका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, सबसे पहला आप एम बनाइए, केवल एक जॉब पाइए। अगर एक जॉब आपके हाथ में है तो आपका ये देखिए अगली किसी जॉब में स्विच कर सकते हैं। आप बीटेक कीजिए या एमबीए कीजिए और उसके बाद साल भर आप घर बैठे रहिए, आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेहनत हम करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम बहुत कुछ पाएं। हम जो प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के छात्र होने के नाते कंपटीशन तो हम ये सोचते हैं कि हम आईआईटी से भी ऊपर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी नॉलेज कितनी शैलो है ये आपको पता चल जाएगा अगर आप किसी कंपनी के आने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में देखें। आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, आपका टेक्निकल पॉइंट जो है बड़ा जीरो है। आप देखिए कि वर्कशॉप कोई आप अटेंड नहीं करते हैं, आप कोई भी टेक्निकल इवेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे आप अपने आप को सेल कर पाएंगे। कंपटीशन की भावना आप में है नहीं, आप ये चाहते हैं कि आराम से जॉब मिल जाए। कॉलेज मैनेजमेंट या कोई भी आपको ऐसे ही जॉब ला करके ऑफर कर दे, बेटा ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत ढंग से करनी होगी, तभी आप जॉब पा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शैलो नॉलेज है, बिल्कुल मुझे दो लाइनें ध्यान आती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जब आप में ज्ञान होगा ही नहीं तो आप इधर उधर अपना जो है गप्पे हाँकेंगे। दूसरा ये कि दूसरों के बहकावे में आएंगे, जो जॉब छोटी मोटी मिलती है आप उसको भी खो बैठेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक अभी 5 साल पहले मैं एक MBA के स्टूडेंट से मिला जो पास आउट था, और एक साल पास आउट होने के बाद वो जो है 7,000 रुपये महीना की एक जॉब कर रहा था। जॉब क्या थी, जो आपके ये फिल्टर चेंज करते हैं हम प्यूरीफायर के, उनको वो डोर टू डोर सेल कर रहा था। वो हमारे घर भी आया और गर्मी की दोपहर ही थी, 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा नहीं तो इससे थोड़ा सा बदनामी भी होती है। अब आप देखिए कि वो बच्चा पानी मांगा उसने पीने के लिए, हमने पानी दिया, हमने पूछा बेटा करते क्या हो, कि जी मैं डोर टू डोर सेलिंग कर रहा हूँ, मगर सैलरी कितनी है आपकी। उसने बताया कि जी सैलरी मुझे केवल जो है 7,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, और वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, नहीं बेचूंगा, तो मेरे को सैलरी भी ठीक से नहीं मिलेगी। अब आप ये देखिए, उसने उस बच्चे ने संघर्ष किया। उससे मैंने पूछा कि भाई आपने MBA किस चीज़ में किया, कि फाइनेंस में किया है, मतलब ये तो आपकी जॉब नहीं है, जॉब प्रोफाइल नहीं है। वो कहने लगा कि देखिए सर मैं क्या करूँ, मुझे जॉब तो करनी है, अपनी फैमिली को पालना है, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं और बेकार हो जाऊंगा। अब कोइंसिडेंटली वो 5 साल बाद अभी मेरे को मिला, तो अच्छी बात यह है कि उसने बच्चे ने संघर्ष किया और आज करीब वो है 1.5 लाख रुपये महीना के आसपास उसकी इनकम है। वो इनकम यही है, उसने अपना एक दिमाग लगाया और उसने कई सारे करीब 1,000 घरों को उसने टारगेट किया जहाँ ये जो आपके फिल्टर चेंज होते हैं, और उसने उसकी एजेंसी ले ली और अब वो काम कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर। तो ये तो पक्का है कि जॉब ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको या तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, स्टार्टअप अपने शुरू करने होंगे, लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, वो हम करना नहीं चाहते। बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो घर वालों पर बोझ बनेंगे। आप कुछ पढ़ करके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ करके आप डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब को आइडिया जब तक आपको एहसास नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तो आप कैसे अच्छी जॉब पा पाएंगे। एक MBA प्राइवेट कॉलेज से भी करता है, एक IIM से भी बच्चा करता है, डिफरेंस केवल इतना है दोनों सिलेबस सेम पढ़ते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज या जो कुछ थर्ड ग्रेड की यूनिवर्सिटीज से बच्चा पास आउट है वो केवल और केवल थ्योरी पढ़ता है। अगर IIM का बच्चा है वो केस स्टडीज को पढ़ता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करता है। और सेम ही आपका NITs या IITs के जो इंजीनियर्स हैं, चूँकि कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं उनमें, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, और तभी वो अच्छी जॉब पा पाते हैं। अब एक तरफ तो आप सोचते हैं कि IIT के इंजीनियर को जी जो है 20 लाख का पैकेज कैसे मिल गया,
और 20 लाख के पैकेज में हम जो है 2 लाख का भी पैकेज क्यों नहीं पा पा रहे। ये केवल और केवल बेटा दिमाग है, ये बुद्धि है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं पा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भ्रांतियों में जब तक आप अपने आप को रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी होगी। अगर थोड़ा सा आपको आगे निकल करके आना है तो आपको एक अच्छे इंजीनियर के तौर पर, अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर अपने आप को साबित करना होगा। इनिशियली आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमबीए की जो डिग्री लेने से पहले अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, किसी भी फील्ड में मिले, आप उस जॉब को एक्सेप्ट करें। आप उस कंपनी को ज्वाइन करना ना करना तो आगे की बात है। अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो बच्चों आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपकी आँखें खुलेंगी और आपको समझ में आएगा कि रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। देखिए, जब तक आप अपनी कोई मंजिल सेट नहीं करेंगे, उस कठिन रास्ते पर नहीं चलेंगे, जितनी बड़ी मंजिल होगी उतने ही कठिन रास्ते होंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। मैं केवल यही आपको सलाह दूंगा, आप घर वालों पर बोझ ना बने, माँ बाप को परेशान ना करें। पता नहीं वो कैसे कैसे करके आपको पढ़ाते हैं। आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। आप कॉलेज में आकर के अपनी अटेंडेंस पूरी रखें। आप ढंग से पढ़ें। जब आप कॉलेज आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। और गलत किसी की बहकावे में ना आए, सलाहों में ना आए। बस केवल इन्हीं शब्दों के साथ सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और आपके मैं आगे आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।